हमारे साथ हैं। मैडम आपका नाम? मैं डॉक्टर सीमा शर्मा जी। सीमा जी, आज आप अपने साथ में अपनी इन बेटियों को, अपनी इन छात्राओं को लेकर आई हैं। वृक्षारोपण किया है, मंद मंद मुस्कान आपके चेहरे पर है, प्रफुल्लित दिखाई दे रही हैं। ये खुशी कितनी आंतरिक है? ये इसलिए आंतरिक है क्योंकि आज की ज्वलंत समस्या हो गई है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण के लिए हमें स्वच्छता के लिए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ ही है जो वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे वातावरण में प्रदूषित हो गया है पूरा वातावरण, कल कारखानों के धुएं से, इसके अलावा पराली जो जल रही है उस वजह से। और ये आज हमें जरूरत पड़ गई है कि दिवाली पे बम पटाखे भी ना छोड़े। और देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि दिल्ली में स्कूल सिर्फ इस वजह से बंद करे गए कि वातावरण इतना प्रदूषित है कि बच्चे ये प्रदूषित वायु लेकर बीमार ना हो जाएं, इस वजह से छुट्टी तक करने की नौबत आ गई। बल्कि आज का यदि मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि क्यों ना, मतलब एक जज जो ये डिसीजन देते हैं कि कोई निर्दोष ना मारा जाए, पर उन्हें इतना व्यथित है वो आंतरिक रूप से कि उन्हें ये डिसीजन देना पड़ा कि क्यों ना हम तिल तिल करके जो मर रहे हैं, मतलब वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि आदमी तिल तिल करके मरने को मजबूर है, तो एक संग 15 विस्फोटक लगा के और सबको मार दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया। तो हम छात्राओं के माध्यम से इस मैसेज को दे रहे हैं क्योंकि छात्राएं कल का भविष्य हैं और ये आगे सभी को भी जागरूक करेंगी। तो इस वजह से मैं इन छात्राओं को लाई हूं कि ये वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। मैडम आपका नाम? मैं डॉक्टर सुनीता RC कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से हूँ। आज हम यहाँ बच्चों को लेके आए, बच्चों को ये दिखाने के लिए कि जब बच्चे खुद पेड़ लगाएंगे तो उनको महसूस होगा। एक तो यहाँ का देखेंगे कि कैसे यमुना जी को प्रदूषित किया गया है, और बच्चे कोशिश करें तो हम कैसे साफ कर सकें। दूसरा, बरेली की दिल्ली की जो ज्वलंत समस्या है उस पर डॉक्टर सीमा शर्मा जी ने बता ही दिया है कि जहाँ दिल्ली में सांस लेना दूभर हो रहा है, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं को से जूझते हुए हम भविष्य को अगर जीना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे सालों तक जिए, तो उनके लिए हमें आज पेड़ लगाने होंगे। सभी को ये जरूरत नहीं है कि निर्णय आए, सबको अपने मन से सोचना होगा कि हमें पेड़ लगाने, क्योंकि पेड़ की एक एक चीज किस तरीके से हमको फायदा करती है, ये बच्चों को जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, बच्चों को पेड़ लगाने के फायदे और पेड़ हमें क्या क्या देते हैं ये सारी चीजें जब तक हम नहीं बताएंगे, बच्चों में एजुकेशन नहीं, हमारा ये मॉरल ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को बताएं, बच्चे अपने घर वालों को बताएं। जैसे हमारे समाज में ये बात फैलेगी, बच्चों को एक एक बच्चा एजुकेट होगा कि हाँ पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए, अगर हमें जीना है तो जैसे जल ही जीवन है वैसे ही पेड़ भी जीवन है। जैसे कॉलोनाइज हो रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, उसके लेवल में पेड़ लग तो नहीं रहे, लेकिन हम अगर कोशिश करें तो इसमें भी हम आगे जा सकते हैं। बस यही मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि बच्चों, जरूरी नहीं है कि कोई दिवस मनाया जाए पेड़ लगाने के लिए। आप जब चाहें, जहां जरूरत आपको महसूस हो वहां आप पेड़ लगा सकते हैं, घर में, घर के बाहर, जहां भी आप देखें वहां पेड़ लगा। धन्यवाद।